हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ग्रंथियों के बारे में, यानी ग्लैंड्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारे नलिका विहीन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हार्मोन स्रावित होता है, जिसका संपर्क सीधे ब्लड से होता है। दूसरा होता है वह स्रावी ग्रंथियाँ, जिसे नलिका युक्त ग्रंथियाँ भी कहते हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे एंजाइम स्रावित होता है। एंड तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, जो हार्मोन एंड एंजाइम दोनों स्रावित करता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, सेक्स ग्लैंड आते हैं एंड हाइपोथैलेमस आता है। जबकि वह स्रावी ग्रंथियों में लीवर, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अमाशय, छोटी यात, बड़ी यात आते हैं, छोटी यात आते हैं। एंड मिश्रित ग्रंथि में ओनली एकमात्र ग्रंथि है आग्नाशय, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्थापित करते हैं। दोस्तों, हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करना, याद रखिएगा। और सबसे पहले हार्मोन की खोज किया बेलिस और स्टार्लिंग ने। एंड सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है सीक्रेटिन। दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन आप डिटेल में एक एक टॉपिक का पढ़ सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक थ्योरी सेशन को देखिए और पढ़िए और अपना प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप सफल नहीं हो सकते। एंड पहले आप थ्योरी सेशन देखिए, उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस लगाइए और अपने एक एक कमी को सुधारिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने बीपीएससी के लिए 80 से 85 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया हुआ था, वो सभी प्रैक्टिस अब आप फिर से जाकर के करिए। और जब मैं डेली बेसिस पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करा रही हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट ना रहे, तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि दोस्तों आज बीपीएससी टीआई 2 में जो भी सफल नहीं हो पाया है, वो निराश ना होकर के फिर से अगले कदम की ओर अच्छे से तैयारी की तरफ बढ़े, एक एक कमियों को दूर करे। और जो जैसे कि मार्च में आपका एस्टेट का परीक्षा होने वाला है बिहार का, उसके बाद बीपीएससी अगस्त में होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट इस अपॉर्चुनिटी को आप खोइएगा मत, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और आपको अन्य राज्यों में भी, जैसे कि उत्तराखंड एल्टीग्रेड एंड उत्तर प्रदेश यूपी टीजीटीपीजीटी, यूपी एल्टीग्रेड, मध्य प्रदेश जो टेट हुआ है, अभी तक उसका मेन एग्जाम नहीं हुआ है, वो भी होगा। तो अगर तैयारी करते रहेंगे तभी किसी न किसी में हो पाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो महिलाओं के अंडाशय यानी कि ओवरी से स्रावित होता है। महिलाओं को ओवरी से दो हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करने वाला होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वह गर्भधारण के लिए जिम्मेदार होता है। और पुरुषों के टेस्टिस से यानी विसर से टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है और एंड्रोजन जो है वह शुक्राणु उत्सर्जन को उत्तेजित करता है। तो दोस्तों ये आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अंडाशय यानी ओवरी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जो T3 हार्मोन होता है दोस्तों, जिसे हम T3 और T4, ये दोनों थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि T3, जिसको ट्राई आयरोथायरोनिन कहा जाता है, तो यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और T4 को थायरॉक्सिन बोला जाता है, टेट्रा आयरोथायरोनिन, ठीक है। थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन के कम स्रावण होने से जड़ वामनता यानी क्रेटनिज में या बच्चों में हो जाता है और बड़ों में मैक्सिडिमा हो जाता है। और इसके और सामान्य गलगंड घेंघा रोग हो जाता है। और अधिक स्त्रावण से हासी मोटो का रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बात और याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि जो है शरीर के सभी उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है?
तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है, वह क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हमारे क्रेनियल जिसमें 8 हड्डियां होती हैं हमारे ब्रेन की खोपड़ी की, तो क्रेनियल कैविटी यानी स्फिनॉइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गर्त में, मक्का या मटर के दाने के समान छोटा सा होता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, प्रमुख ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सभी अंतःस्राव ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्रंथि है, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथ है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा हार्मोन पैंक्रियाज द्वारा स्त्रावित होता है, तो दोस्तों पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय के द्वारा दोस्तों, अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करता है, इसीलिए अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। तो कौन सा हार्मोन पैंक्रियाज द्वारा स्त्रावित होता है, इंसुलिन। दोस्तों जैसे कि इंसुलिन जो है अग्नाशय के लैंगहेंस कोशिकाओं से अल्फा बीटा डेल्टा एफ कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से लैंगहेंस की अल्फा कोशिका से ग्लूकेगन हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। एंड डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्थापित होता है जो इंसुलिन एंड ग्लूकेगन की आवश्यकता से अधिक स्त्राव को नियंत्रित करता है। और एफ कोशिका से पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन स्थापित होता है जो 36 अमीनो एसिड्स पेप्टाइड का उत्पादन करता है जो भोजन के उपरांत रक्त धारा में पहुंचता है। इस प्रकार अग्नाशय से ग्लूकेगन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन स्थापित होता है। इस चारों हार्मोन याद रखिएगा, ज्यादातर ग्लूकेगन इंसुलिन पूछता है, लेकिन ये दोनों भी याद रखिएगा। एंड एंजाइम में कौन कौन सा एंजाइम स्थापित होता है अग्नाशय से दोस्तों, तो अग्नाशय से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंजाइम स्थापित होता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज जो है वसा को पचाने में मदद करता है यानी वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को अमीनो एसिड या पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि यानी प्रमुख ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कौन है, तो वह है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है, तनाव के समय मानव शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो दोस्तों हम जब स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, उस समय हमारे शरीर में एड्रिनेलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनेलिन हार्मोन को विषम परिस्थितियों का नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। इसको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। और दोस्तों यह जो है इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, फाइट और फ्ले हार्मोन अथवा पेस मेकर भी कहा जाता है एड्रिनल हार्मोन को, क्योंकि यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अतः मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जैसे क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर, भूख लगने पर यह बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्तदाब भी बढ़ जाता है, परंतु अंतरंगों की क्रियाविधि धीमी हो जाती है। इसलिए इस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन या फ्लाइट फ्ले हार्मोन या विषम परिस्थितियों का नियंत्रक हार्मोन भी कहा जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग मानव शरीर में अंतःस्रावी के द्वारा साथ बहिःस्रावी का काम करता है, तो दोस्तों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो मैं भी जस्ट बताई हूं अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है ग्लूकेगन हार्मोन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एंड
बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो इंसुलिन और ग्लूकेगन दोनों के अधिक स्राव को नियंत्रित रखता है। और एफ कोशिका से पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस ग्रंथि यानी ग्लैंड की वाहिनी स्टेंशन वाहिनी कहलाती है? तो वह कहलाती है कर्णपूर ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्रंथि की वाहिनी को स्टेंशन वाहिनी कहते हैं। जैसे कि हमारे तीन जोड़ीदार ग्रंथियां होती हैं यानी कुल छह होती हैं, तीन 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 यानी एक एक कान की तरफ तीन तीन होती हैं, तो एक एक तरफ तीन तीन होती है। तो तीन जोड़ीदार ग्रंथियां कौन होती है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, जिसे टैलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट को का पाचन करता है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्रावों को कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्रावों को हार्मोन्स कहा जाता है। ये डायरेक्ट रक्त में जाकर के मिलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मोटापे का एक अंतःस्रावी प्रभाव एंडोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? तो दोस्तों, मोटापे का एक अंतःस्रावी प्रभाव को एंडोक्रिनोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? तो यह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लाइकोजन को भंडारण हेतु उत्तरदायी कौन सा अंग है? तो दोस्तों, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वह शरीर में जाकर के ग्लूकोज में बदल करके ऊर्जा देता है। जो भी अतिरिक्त ऊर्जा होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर के हमारे लीवर यानी यकृत और मांसपेशियों में स्टोर होता है। यहाँ पे लीवर यानी यकृत राइट होगा, मांसपेशी रहेगा वो भी राइट रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? तो शर्करा को नियंत्रित करती है पैंक्रियाज ग्रंथि, जिससे स्रावित होने वाला पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के मैग्रहेंस कोशिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इस कारण से ज्यादा मात्रा में शर्करा यानी ग्लूकोज रक्त में प्रवाहित होने लगता है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं या हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? नलिका विहीन, जिसमें नलिका नहीं होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, और जिसमें हार्मोन स्रावित होते हैं जो डायरेक्ट जाकर के रक्त में मिलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने और कौन से लोब होते हैं? तो दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, दो लोब होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जिससे सात हार्मोन स्रावित होता है, और पोस्टीरियर यानी पश्चपाली को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसमें से सिर्फ दो हार्मोन वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो जो सात हार्मोन्स होता है उसका है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, जो शरीर के वृद्धि विकास में सहायक होता है, एंड उसके अलावा आपका गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो सेक्स ग्लैंड के हार्मोन को स्राव को नियंत्रित करता है, एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो एड्रेनल ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, एंड थायरोट्रोफिक हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन जो दुग्ध स्राव दुग्ध निर्माण करता है मादाओं में, एंड डायबिटोजेनिक हार्मोन जो उपापचय को प्रभावित करता है, एंड मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स जो त्वचा की कोशिकाओं में मिलेनिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। और पश्चपाली से न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन स्रावित होता है, जिसे वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। वैसोप्रेसिस को एडिनो एंटीडायुरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, जो ब्रिक यानी किडनी में के कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, और जल अवशोषण को बढ़ा करके मूत्र के आयतन को कम कर देता है। इसी कारण से इसे मूत्र रोधी या एंटीडायुरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, वैसोप्रेसिन को। और
वैसोप्रेसिन एंटीडायुरेटिक की कमी से मूत्रलता या डायूरेसिस रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाता है। दूसरा हार्मोन होता है पश्चपाली से ऑक्सीटोक्सिन, जो दूध के स्त्राव करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी ग्रंथि होती है जो मानव शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो दो तीन बार मैं रिपीट कर चुकी हूं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि जिसे कहते हैं, वह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तभी जस्ट मैं बताई हूं कि पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब होता है अग्रपाली पश्चपाली। तो अगर एंटीरियर लोब यानी एडिनो हाइपोफाइसिस से मैं अभी जस्ट बताई हूं कि सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड आपका गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायरोट्रोफिन हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, डायबिटोजेनिक हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा थायरोट्रोफिक हार्मोन, जैसे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अनुसार आप आंसर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पोस्टीरियर लोब यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस से ओनली दो, न्यूरो हाइपोफाइसिस से ओनली दो हार्मोन स्रावित होते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन को एंटी डायुरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, तो एंटी डायुरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की वृद्धि किस प्रकार के हार्मोन पर निर्भर करती है। तो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन यानी कि इसको एसटीएच हार्मोन या वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन जीएच भी बोला जाता है, जो शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। यह ग्रोथ हार्मोन यानी कि सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है, यह ऊतकों के क्षय, कोशिकाओं के विभाजन, हड्डियों पेशियों के विकास, संयोजी ऊतक की वृद्धि को प्रभावित करता है। और दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन यानी एसटीएच यानी सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन के कम स्राव होने से, अल्प स्राव से बौनापन यानी डिवॉर्फिज्म हो जाता है बच्चों में, और वयस्कों में पिट्यूटरी मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। और इसके अति स्राव से यानी कि सोमेटोट्रॉफिक ग्रोथ हार्मोन के अति स्राव से अति वृद्धि यानी कि ग्वांटिज्म रोग हो जाता है। और ग्वांटिज्म में क्या होता है, बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से हस्तपुष्ट भीमकाय ग्वांट व्यक्तियों का विकास होता है, जिसे पिट्यूटरा भीमकायता भी कहते हैं। और इसके अलावा अति स्राव से अग्रातिकायता यानी कि एक्रोमिगेली रोग हो जाता है वयस्कों में होता है। यह ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में एक्रोमिगेली यानी अग्रातिकायता हो जाता है, जो गोरिल्ला के समान कुरूप भीमकाय व्यक्ति दिखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा हार्मोन सीसी को दुग्ध पिलाने के लिए दौरान सहायक होता है। वह होता है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है। तो सभी प्रकार की मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय क्रियाओं को नियंत्रण या करने में सहायक होता है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट दोस्तों, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर में गले के पास सामने की ओर ट्रेकिया के ऊपर यानी श्वास नली के ऊपर स्थित होती है। और थायराइड ग्रंथि के फूल जाने को हम घेंघा रोग, गोइटर रोग कहते हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों। तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के कम स्राव से कौन सा रोग हो जाता है, बौनापन हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के कम स्राव से जड़वामनता क्यूटेनिज्म हो जाता है बच्चों में, और वयस्कों में मिक्सिडिमा हो जाता है, ठीक है। और सामान्य घेघा यानी गलगंड ग्वाइटर रोग हो जाता है थायरॉक्सिन के कम स्राव से। और हाशिमोटो का रोग हो जाता है, हाशिमोटो का रोग उसे कहते हैं दोस्तों जब थायराइड ग्रंथि का स्त्राव इतना कम हो जाता है कि स्त्राव को बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है, औषधि दी जाती है,
वह दवा का काम न करके विष का काम करने लगती है। तो इसे हम हाशिमोटो कहते हैं। ये थायराइड को नष्ट कर देता है और रोग जो है रोगी की थायराइड की आत्महत्या भी इसको कहा जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड भी इस रोग को कहा जाता है, हाशिमोटो रोग को। और अति स्राव से एक्सोथैल्मिक गोइटर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ उसकी कमी से बच्चों में क्रिटेनेज में, ठीक है, बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से बच्चों में क्रिटेनेज में बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, तथा वयस्कों में मेक्सिडिमा, वयस्कों में ये बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति मोटा और आलसी कम दिमाग का हो जाता है, जिससे चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया धीमी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन से ज्यादा स्रावित होने से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा यानी कि हो जाता है, जो गोइटर कहते हैं, जो हमारा थायराइड ग्रंथि फूल जाता है हमारे गले के पास, उसे हम घेंघा यानी इसमें क्योंकि इससे चयापचय क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है? तो दोस्तों, पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है यह कैल्शियम के चयापचय अर्थात रक्त तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है उसके पीछे वाले भाग में यह होता है, मटर के दाने के समान चार की संख्या में होता है थायराइड ग्रंथि के पीछे भाग में। और दोस्तों, इस यह 84 अमीनो अम्लों की बनी एक प्रोटीन होती है और यह क्या करता है, कैल्शियम के चयापचय को व्यवस्थित करता है, रक्त और शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा को बनाए रखने में सहायता करता है, और यूरिन के रास्ते कैल्शियम की मात्रा के उत्सर्जन को कम करता है, और विटामिन डी इसमें सहयोग करता है, और पेशियों के संकुचन, उसको प्रेरणा देने, उसके संवहन करने, रक्त स्कंदन, अस्थि निर्माण में भी सहायता करता है, हड्डियों के विघटन को कम करता है, मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाकर पैराथार्मोन से विरोधी भूमिका निभाता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? तो दोस्तों, आप सबको पता है एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर स्थित होती है। नेक्स्ट दोस्तों, तिकोने आकार का ग्रंथि कौन सा है, ग्लैंड कौन होता है? तो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय जो होता है तिकोने आकार का ग्रंथि होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हार्मोन की खोज किसने किया था? तो हार्मोन की खोज किया है बेलिस एंड स्टार्लिंग ने 1905 में। हार्मोन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना। नेक्स्ट दोस्तों, एंडोक्राइन ग्रंथियों से कौन से तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? तो दोस्तों, एंडोक्राइन ग्रंथियों से तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, एमीन हार्मोन, स्टेराइड हार्मोन, ठीक है। तो पेप्टाइड, एमीन और स्टेराइड हार्मोन तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जो पेप्टाइड हार्मोन होता है वो पानी में, पेप्टाइड और एमीन हार्मोन पानी में घुलनशील होता है, स्टेराइड हार्मोन जो है वो वसा में घुलनशील होता है। पेप्टाइड के अंतर्गत हाइपोथैलेमस, सोमेटोस्टेटिन आता है, एंड एमीन के अंतर्गत एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और थायरॉक्सिन हार्मोन आता है, एंड स्टेराइड के अंतर्गत एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन आता है। नेक्स्ट दोस्तों, एमीन हार्मोन्स में शामिल है, तभी जस्ट बताए हूँ एमीन हार्मोन में एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, स्टेरॉइड हार्मोन में कौन से हार्मोन्स आते हैं? तो स्टेरॉइड हार्मोन में एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कि आयोडीन किस हार्मोन्स में पाया जाता है? तो यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, पैंक्रियाज के आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से कौन से दो हार्मोन का स्राव होता है? तो पैंक्रियाज के लैंगरहैंस दीपिकाओं से चार हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे दो ही दिया है, इंसुलिन यानी ग्लूकेगन। तो चार हार्मोन होता है लैंगरहैंस की दीपिका के अल्फा कोशिका से ग्लूकेगन, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो इंसुलिन व ग्लूकेगन के अधिक स्राव को नियंत्रित करता है, एफ कोशिका से पॉलीपेप्टाइड
जो 36 अमीनो अम्ल की बनी होती है जो भोजन के उपरांत रक्त धारा में पहुंचता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? अभी जस्ट बताई हूँ, ग्लूकोगन निकलता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एंड नेक्स्ट है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो बीटा से इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा हार्मोन लीवर तथा मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है? तो लीवर और मांसपेशियों को जो उत्तेजित करने का जहां भी कार्य होगा क्रियान्वित करेगा, तो वो एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित एपिनेफ्रिन यानी कि इसको एड्रेनल ग्रंथि एड्रेनालिन हार्मोन भी कहते हैं, जो मांसपेशियों लीवर और मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, बीएमआर का पूरा नाम क्या है? तो बीएमआर का पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। एंड बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई से आपका जो वजन है आपकी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं, इसको ज्ञात किया जाता है। दोस्तों बीएमआई ज्ञात करने का सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से डिटेल में बताया ग्लैंड यानी ग्रंथियों के बारे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।